नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज टेन वन रुपी कॉइंस आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन अ टेबल ईच कॉइन हैज़ मास एम सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू हमें बताना है कौन सी इस पर ध्यान देना विच इज़ नॉट ट्रू पहला है फोर्स ऑन ऑन द दिक्कस कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द काइंस ऑन इट टॉप इज इक्वल टू फोर एम जी डाउनवर्ड दूसरा है फोर्स ऑन द सिक्स कॉइन ड्यू टू सेवन कॉइन इज फोर एम जी डाउनवर्ड्स रिएक्शन ऑफ द सिक्स कॉइन ऑन द सेवन कॉइन इज फोर एम जी अपवर्ड्स या फिर टोटल फोर्स ऑन द टेंथ कॉइन इज नाइन एम जी डाउनवर्ड्स नाउ अगर इसको हम ड्रॉ करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ये आपका स्नैरियो है कि यह आपका आ, ऐसे आपके कॉइन्स रखे हुए हैं हर कोइन का मास आपका आ, एम जी है सॉरी महा साहब का एम है सो so, पहला स्टेटमेंट है फोर्स ऑन द सिक्स कॉइन कॉन्टेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन ऑन टॉप इज इक्वल टू फोर एम जी सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस कॉइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या पहले स्टेटमेंट में सो so, जो सिक्स कॉइन है इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इसका एम जी एम जी एम जी एम जी तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे इसका अगर हम एफ बी डी बनाएँ तो इसके ऊपर जो एक तो इसका अपना एम जी लग रहा है और ऊपर इसका एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना इसके ऊपर के अगर हम सारे उनको काउंट करें तो नॉर्मल फोर्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी फोर एम जी और उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया सो right? so, हमें नॉट ट्रू बताना है तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया uh, सवाल है फोर्स ऑन द सिक्स कॉइन अगेन ये सिक्स कॉइन की यहाँ फिर हम बात कर रहे हैं ड्यू टू द सेवन कॉइन इज़ फोर एम जी डाउनवर्ड अब इस ब्लॉक ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया हुआ है वो आपका जो नॉर्मल फोर्स लगाया हुआ है उस नॉर्मल की वैल्यू आपकी फोर एम जी है सो so, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो गई नेक्स्ट uh, है रिएक्शन ऑन द सिक्स कॉइन ऑन द सेवंथ कॉइन इज फोर एम जी अपवर्ड्स सो इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अगेन आपका फोर एम जी है सो so, ये स्टेटमेंट आपकी फिर ट्रू हो गई नेक्स्ट uh, है लास्ट uh, स्टेटमेंट है द टोटल फोर्स लास्ट uh, स्टेटमेंट है टोटल फोर्स ऑन द टेंथ कॉइन इस टेंथ कॉइन की बात कर रहे हैं टेंथ uh, कॉइन अच्छा अगेन यहाँ पे एजम्शन ये है कि लेट्स से हम नीचे से ऊपर वाले उसकी बात कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में अगर हम बात करें टेंथ कॉइन सो ये आपका टॉप वाला हो गया आपका टेंथ कॉइन इज नाइन एम जी डाउनवर्ड ना ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई बिकॉज इसके ऊपर टोटल फोर्स जो होएगा वो आपका इसका अपना एम जी होएगा सो so ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई एंड इनहेंस ऑप्शन नंबर फोर would be the right answer.